अक्सर हमारे मोबाइल में कुछ प्रॉब्लम आ जाती है, जैसे कि स्क्रीन डैमेज, बैटरी खराब होना या फिर हार्डवेयर सॉफ्टवेयर में कोई प्रॉब्लम होना। तो इस केस में हमें अपने मोबाइल को सर्विस सेंटर पे रिपेयर कराना होता है, लेकिन हमें पता ही नहीं होता कि हमारे एरिया में सर्विस सेंटर कहाँ पे है। तो इस कंडीशन में या तो हम अपने यार दोस्तों से पूछेंगे या फिर हम मोबाइल की शॉप पे जाके सर्विस सेंटर के बारे में पूछेंगे, लेकिन इसमें काफ़ी टाइम जाया हो जाता है। फिर भी पक्का नहीं है कि आपको सर्विस सेंटर के बारे में पता चल जाएगा, लेकिन आज मैं आपको एक ऐसा तरीका बताऊंगा जिससे कि आप मिनी सेकंड में पता लगा सकते हैं कि आपके मोबाइल के ब्रांड का सर्विस सेंटर कहाँ पे है। तो इस वीडियो में आपको मैं चार मोबाइल ब्रांड के सर्विस सेंटर ढूंढना बताऊंगा, MI, ओप्पो, वीवो, रियलमी, ठीक है। लगभग सभी के सेम ही है, आपको बस एक आइडिया मिल जाएगा कि आप किसी भी मोबाइल ब्रांड के सर्विस सेंटर को कैसे फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए आपको सबसे पहले क्रोम ब्राउजर ओपन करना है। तो हम सबसे पहले MI के सर्विस सेंटर को फाइंड करना जानते हैं। आपको यहाँ पे सबसे पहले MI यहाँ पे सर्च कर लेना है। MI की वेबसाइट आ जाएगी, वेबसाइट को ओपन कीजिए। यहाँ पर आपको थ्री लाइन पे क्लिक करना है। इसके बाद आपको यहाँ पे सपोर्ट पे क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपको सर्विस सेंटर पे क्लिक करना है। इसके बाद आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपको अपना स्टेट सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आप यहाँ पे अपनी सिटी सिलेक्ट कीजिए। तो आपकी सिटी में MI के कितने सर्विस सेंटर हैं वो आपको यहाँ पे सभी डिटेल मिल जाएगी, ठीक है। उस सर्विस सेंटर का एड्रेस, टाइमिंग क्या रहेगी, संडे को क्लोज रहेगा, मोबाइल नंबर, सभी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिल जाएगी। आप सर्विस सेंटर के नंबर पे कॉल करके भी बात कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अभी जानते हैं कि आप वीवो के सर्विस सेंटर को कैसे पता कर सकते हैं। बस सिंपल है, बस आपको यहाँ पे वीवो सर्च करना है। वीवो इंडिया की वेबसाइट आ जाएगी, वेबसाइट को ओपन कीजिए। सेम वही प्रोसेस है, थ्री लाइन पे क्लिक कीजिए, सपोर्ट पे क्लिक करना है। यहाँ पर आपको सर्विस सेंटर पे क्लिक कर देना है। इसके बाद आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपको अपना स्टेट सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आप यहाँ पे अपनी सिटी सिलेक्ट करेंगे, ओके। तो आपकी सिटी में जो भी वीवो का सर्विस सेंटर होगा उसका एड्रेस यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार आप यहाँ पे ओप्पो का सर्विस सेंटर फाइंड कर सकते हैं। बस ओप्पो सर्च कीजिए, यहाँ पर आपको वेबसाइट को ओपन कर लेना है। इसके बाद आप यहाँ पे थ्री लाइन पे क्लिक कीजिए, सेम वही प्रोसेस है, सपोर्ट पे क्लिक करना है। इसके बाद आप यहाँ पे नीचे की तरफ आएंगे तो आपको यहाँ पे सर्विस सेंटर के नेम्स का एक ऑप्शन मिल जाएगा, आपको यहाँ पे क्लिक करना है। फाइंड अ सर्विस सेंटर पे क्लिक कीजिए, यहाँ पर आपको अपना स्टेट सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आप यहाँ पे अपनी सिटी सिलेक्ट करेंगे। तो आपकी सिटी में जो भी ओप्पो का सर्विस सेंटर होगा उसका एड्रेस, उसकी सभी जानकारी आपको यहाँ पे पता चल जाएगी, ठीक है। तो अभी बात करते हैं रियलमी सर्विस सेंटर को आप कैसे पता कर सकते हैं। उसका भी यही प्रोसेस है, आप रियलमी यहाँ पे सर्च कीजिए, वेबसाइट को ओपन कीजिए, थ्री लाइन पे क्लिक कीजिए, सपोर्ट पे क्लिक करना है। अभी आपको यहाँ पे सर्विस सेंटर पे क्लिक कर देना है। यहाँ पर आप क्लिक करके अपने स्टेट को सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद आपको यहाँ पे अपनी सिटी सिलेक्ट कर लेनी है, ठीक है। तो हम मोबाइल के सर्विस सेंटर को ढूंढ रहे हैं, तो आपको यहाँ पे मोबाइल फ़ोन पे क्लिक करना है। तो लो जी, आपके एरिया में जो भी रियलमी का सर्विस सेंटर होगा उसका एड्रेस आपके सामने आ जाएगा। अगर आपको ये एड्रेस नहीं पता है तो आप गूगल मैप के जरिए इस लोकेशन पर जा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको मोबाइल सर्विस सेंटर को ढूंढने का आइडिया मिल चुका है। तो इस प्रकार से आप बाकी के मोबाइल के सर्विस सेंटर को भी पता कर सकते हैं। तो इस वजह से मैंने आपको यहाँ पे चार मोबाइल ब्रांड के सर्विस सेंटर को ढूंढना बता दिया। तो आपको आइडिया मिल चुका कि आप मोबाइल के सर्विस सेंटर को कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो कैसी लगी वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।